अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, नए नए कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज के एक और नए व्लॉग, एक और नई वीडियो के साथ। तो ओहो, ये क्या कर रही है? ये दोस्तों मैंने क्या देख लिया, हमारे पिजन के बच्चे एक्सपायर हो गए। और ये ओहो किस तरह, ओ एक नहीं है दोस्तों, साइड हटो साइड हटो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। येलो वाले कहाँ है? ये रही, ओहो बेचारे का दोस्तों सिर ही नहीं नजर आ रहा, की बहुत बुरी कंडीशन कर दी है। देखें यहाँ पे भी चोट वगैरह लगी है इसके, एक ये और एक ये पर हुआ है सामने वाली साइड पे। देखें ये, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बच्चा नहीं है मगर असल में ये बच्चा ही है। छोटे होते इसकी माँ ने बाहर फेंक दी है, पता नहीं अंदर ही एक्सपायर हो गए थे जिसकी वजह से इसकी माँ ने बाहर फेंका है। अभी जल्दी से दोस्तों से दफना के आते हैं। और आज भी दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, और ये देखें इसके भी ब्लड लगा हुआ है, ये देखें ये सारे खूनी दरिंदे हैं। कभी कभी मेरा दोस्तों दिल करता, जब भी ऐसी हरकतें कोई करते ना, मेरा दिल करता कि मैंने ना अपने सेटअप से ख़त्म कर दूं, मगर कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि आप लोगों को पता ये भी बेजुबान है। अभी जल्दी से भाई इन्हें दफना के आते, मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है इन पर। अभी मैंने दोस्तों रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही की थी तो मेरा मोबाइल हीटअप हो गया अचानक से, ये देखें बाहर कितनी गर्मी है, तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, तो जल्दी से इसे ओपन कर देता हूँ मैं। ये मैंने दोस्तों निकाल दिए, अभी जल्दी से यहाँ पे उन्हें दफन कर देते हैं। ये दो हैं दोस्तों, आते साथ ही दोस्तों बैड न्यूज मिल गई। अभी मैं जस्ट एंटर ही किया मैंने, तो ये मैंने दोस्तों अभी इसे बंद कर दिया। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ना पानी वगैरह मैं लगा दूंगा, इसे अभी बंद कर देते हैं। इंट वगैरह इसके ऊपर रख देते हैं। तो अभी जल्दी से दोस्तों हम लोग ना अंदर चलते हैं, अंदर जाकर भी दाना पानी वगैरह डालते हैं उन्हें। आते साथ ही दोस्तों बैड न्यूज़ मिल गई है, जैसी अब इनकी गंदी आदत है ना बजी इसकी, दुआ करें अब इन्हें ऐसी गंदी आदत ना हो, क्योंकि अक्सर डव्स वगैरह में भी ऐसी गंदी आदत होती है। ये भी अपने चारों के चारों अंडों की सही से केयर वगैरह करें, आप लोग बस दुआ करना। और ये देखें माशाल्लाह से ये बाकी हमारे ये बच्चे भरे हो चुके हैं डव के, और ये चूज़े भी चार आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, और एक ब्राउन वाला, इन सबसे अच्छी ग्रोथ में है, जो या तो इसके नीचे होगा या तो उसके नीचे होगा। तो अभी हम लोगों ने भी तंग नहीं करते, जल्दी से हम लोग दाना वगैरह निकालते हैं और इन्हें डाल देते हैं। पहले ना इन्हें बजिस को डाल देते हैं। ये ओहो दोस्तों एक नहीं दो नहीं तीन बच्चे मारे हैं इन्होंने, तीन बच्चों को एक्सपायर किया इन्होंने। ये देखें आप लोगों को फोकस नहीं हो रहा कैमरा, ये भी पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन पर। अभी मैं इन्हें भी दफना दूंगा, पहले दाना पानी वगैरह डाल देता हूँ मैंने, और अजान भी स्टार्ट हो गई है। मैं जल्दी से दोस्तों इन सबको दाना पानी वगैरह डाल के आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ। दोस्तों अजानें भी हो चुकी हैं, अब मैं जल्दी से इनको दाना वगैरह डाल दूँ, पानी वगैरह डाल दूँ। और दोस्तों एक और बात मैंने बतानी थी कि ये चार हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं इकट्ठे चार, मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे एक और नज़र आ गया, अभी पक्का चार या और नहीं, मुझे सारी जगह मैंने देख लिया। इसने चारों के चारों बच्चों को एक्सपायर कर दिया,
सब ने मिलके, मैं ये नहीं कहता एक ने किया, सब ने मिलके किया। तभी मैंने इन्हें दाना वगैरह डाल दिया। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं बाकी सबको भी दाना वगैरह डालूँ, बाकी सबको भी दाना वगैरह डाल के आप लोगों से अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैंने पैकेट वगैरह निकाला हुआ दाने का। तो अभी मैंने दोस्तों इन सबको दाना पानी वगैरह डाल दिया, पानी नहीं डाला दाना डाल दिया, इन्हें भी मैंने डाल दिया। ये भी दाना वगैरह खा रहे हैं और ये बजीस वगैरह भी दाना वगैरह खा रहे हैं। और देखिए बच्चे से खाया नहीं जा रहा, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है उसे। और ये इन्होंने भी खाया, तो ये अपने ना बच्चों को फीड करा रहे हैं। अभी मैंने देखा था फीड वगैरह करवा रहे थे, तो बाकी आप लोगों को पता हमारा नुकसान हो गया। अब मैं जल्दी से ना इन्हें भी जा कर दफनाता हूँ, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए, ये पता नहीं कब के एक्सपायर हुए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा बार बार दिखा तो नहीं सकता, मैं ऐसा करता हूँ अब दोबारा से दफना देता हूँ, अब मैं बगैर रिकॉर्डिंग के दफनाता हूँ। सो फाइनली दोस्तों अभी मैं उन्हें दफना के अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ, ये जो पानी है ना ये उसमें डाल देता हूँ मैं। इस साइड पे मैंने दफन किया, ये ईंट के ऊपर डाल देता हूँ, ये खुद ही अंदर चले जाएगा इसके। हाँ अभी जल्दी से अंदर चलते हैं वापस, और इनको पानी वगैरह मैं डाल देता हूँ, पानी की बोतल ले रही। अभी दोस्तों मेरे पास सिर्फ दो पैकेट रह गए, मैंने अभी तीन पैकेट बाहर निकाले, पहले एक निकाला दो बाद में निकाले, टोटल तीन पैकेट थे। अभी एक ये रह गया पैकेट, इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और एक ये, और ये दोनों दाल दाना, यानी कि ये सिर्फ बजीस को छोड़ के बाकी सबके लिए ये दाना। तो अभी मैं जल्दी से इन सबको पानी वगैरह डाल देता हूँ। येलो येलो आप लोग देखियो, तो भी मैंने दोस्तों सबको पानी वगैरह डाल दिया, बाकी इसे बंद करके मैं रख देता हूँ। तो अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा, इकट्ठे चार बजीस के बच्चे एक्सपायर हुए हैं। अभी क्या ही कर सकते हैं, जो होना था हो गया। दोस्तों मुझे ना काफ़ी ज़्यादा ना इन पे ना गुस्सा आता है कि इनको टाइम पे दाना भी मिलता है, टाइम पे पानी भी मिलता है, मेडिसिन वगैरह टाइम पे देता है इनको, और ये ब्रीड वगैरह करके अपने बच्चों को क्यों कत्ल कर देते हैं। और ये देखिए आई थिंक ये मादा को ना ये वाला पसंद आ गया घर, ये अभी मैंने क्या नाम है देखा, इस पर फोकस किया अभी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमने लास्ट टाइम रखा था ना इसके ऊपर, ये काफ़ी देर से मैंने ला कर रखा हुआ था, मगर इसके ऊपर रखना याद नहीं रहता था हर बार मुझे, बट ये अभी रखा है, दो दिन ही हुए रखे हुए, दो दिन के पता नहीं एक दिन हुआ है। और माशाल्लाह दोस्तों वो देखें, इसने तो अपना घर आई थिंक चूज़ कर ही रही है, और वो देखें वो वाइट कलर के बजी ने अपना घर चूज़ भी कर लिया और अंदर भी आया, और इसके अंदर बच्चे भी थे लास्ट टाइम मैंने देखा, यानी कि वो जो मादा थी वो ग्रीन वाली है वाइट वाली के साथ पेयर बना लिया उसने, ये वाइट वाला मेल है और ग्रीन वाली ने वाइट वाले के साथ पेयर बना के, और ये इसी के बच्चे हैं माशाल्लाह। ये अभी मैं देख रहा हूँ, ये देखें ये ऊपर मादा ग्रीन कलर की, ये नीचे वाइट कलर का मेल। शुक्र है दोस्तों, ये भी एक गुड न्यूज़ मिल गई है कि इनका पेयर है और इन्हीं के बच्चे हैं। जो बच्चा पहले बाहर निकला था ना जो एक्सपायर हो गया, वो बच्चा तो मुझे नहीं पता किसका था, मगर ये जो अब निकला ना जिसके सिर पर चोट हल्की हल्की लगी है, ये तो इन्हीं का बच्चा, इसका 100% कन्फर्म हो गया मुझे। और वो वाला दाना नहीं खा रहा, बाकी सब आके दाना खा रहे हैं। एक मिनट साइड पे हटो, उसे भी मैं इसके ऊपर बिठा देता हूँ ताकि वो भी दाना वगैरह खाए। एक ही जगह पे बैठा हुआ बेचारा, ये लो इसके अंदर बैठो, इसके अंदर ही रहो ना, ये लो कुछ भी नहीं होगा, दाना वगैरह खाओ अंदर बैठ के, पानी वगैरह पियो, दाना वगैरह खाओ, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी आपको कुछ ना कहे। आगे आपको पता ना आपके भाईचारे जो थे चार जो यहाँ पे पड़े हुए थे वो एक्सपायर हो गए हैं, इन्होंने किया है, तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। तो भी दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर
मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया तो बार बार रिकॉर्डिंग बंद करी जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगा कल ऐसी एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों अभी के लिए इजाज़त दीजिए एक माजरत के साथ, क्योंकि कुछ दिन हो गए मेरे व्लॉग थोड़े बहुत छोटे आ रहे, क्योंकि मेरी दोस्तों मेरी कोशिश होती है 10 से 12 मिनट के व्लॉग हों, बट हीटिंग की वजह से मैं मोबाइल में हीटअप हो जाता है ना काफ़ी ज़्यादा धूप की वजह से, जिसकी वजह से व्लॉग ज़्यादा लंबे बनाने का फिर वो बार बार रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है, जिसकी वजह से इशू आ जाता है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह मिलूँगा कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।